हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मॉक्सी आर्किटेक्ट। आज के वीडियो में हम एक लग्जरियस बंगलो का डिज़ाइन देखेंगे। ये एक 47 फीट बाय 76 फीट के प्लॉट पे डिज़ाइन किया गया है। ग्राउंड फ्लोर में है पार्किंग, केयरटेकर्स रूम, स्विमिंग पूल, बार विथ लाउंज, आउटडोर किचन एंड डाइनिंग, लिविंग रूम, किचन डाइनिंग विथ लॉन्ड्री रूम, मास्टर बेडरूम। सेकेंड फ्लोर पर है फैमिली रूम, 3 बेडरूम्स एंड अ स्टडी रूम। ये पूरे बंगलो का बिल्टअप एरिया है 5,300 स्क्वायर फीट। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा अराउंड 90 to 95 lakhs एंड जो पूरा इंटीरियर किया गया है इसका कॉस्ट आएगा 35 to 40 lakhs। तो चलो देखते हैं इसका 3D वॉक थ्रू। तो जैसे हम एंटर करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं पार्किंग में। पार्किंग के लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो है छोटा फ्रंट यार्ड। फोर्थ से हम एंटर करते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में एक स्पेशियस एल शेप सोफा दिया गया है, सामने टीवी यूनिट प्रोवाइड किया है। लिविंग रूम से आगे हम आते हैं तो किचन डाइनिंग स्पेस में। किचन में आप देख सकते हो एल शेप काउंटर दिया गया है, एक बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, साथ में उसको एक ब्रेकफास्ट टेबल दिया गया है। किचन में आपके अप्लायंसेस के लिए पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है एंड आप किचन से आपका गेट या पार्किंग की तरफ ध्यान रख सकते हो। फिर आता है आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे एक 8-सीटर डाइनिंग टेबल दिया गया है। यहाँ से हम आगे आते हैं तो बेसिन काउंटर स्पेस आता है। यहीं पे डोर से हम कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। डाइनिंग से हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे है मास्टर बेडरूम जो अपना फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ पे विंडो सीटिंग, किंग साइज बेड, टीवी यूनिट एंड वार्डरोब स्पेस दिया गया है। ये बेडरूम को एक अटैच टॉयलेट भी प्रोवाइडेड है। यहाँ से बेडरूम से हम बैक साइड में आते हैं स्विमिंग डेक पे, जहाँ पे रिलैक्सिंग के लिए लाउंज चेयर प्रोवाइडेड है। किचन से हम आते हैं तो यहाँ पे है लॉन्ड्री रूम, जहाँ पे आपका डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर सब प्रोवाइडेड है। ये सेकेंडरी एंट्रेंस है आपके पार्किंग से, जो केयर टेकर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं तो सबसे पहले आते हैं लॉन्ड्री रूम में। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये आता है सर्वेंट रूम, जहाँ पे एक छोटा पैंट्री स्पेस, वार्डरोब एंड सिंगल बेड प्रोवाइड किया गया है। ये रूम के एडजेसेंट में ही एक छोटा टॉयलेट भी प्रोवाइडेड है। यहाँ से हम किचन में एंट्री लेंगे। किचन से जैसे राइट में जाते हैं तो ये ड्राइंग रूम है, जो एक अनऑफिशियल फैमिली गैदरिंग स्पेस होता है। तो यहाँ पे कोजी सिटिंग स्पेसेस दिए गए हैं एंड इसका विंडो से आप पूरा स्विमिंग पूल का व्यू ले सकते हो। इसका लेफ्ट साइड में जो डोर है, वहाँ से आप स्विमिंग डेक पे उतर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल के अराउंड अलग अलग एक्टिविटीज डिजाइन किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये है आउटडोर किचन एंड डाइनिंग एरिया, जहाँ पे ओवन, बारबेक्यू, ग्रिल एंड एक छोटा काउंटर प्रोवाइडेड है, साथ में 8-सीटर डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे एक स्टोर रूम या के स्विमिंग रूम के लिए पंप रूम प्रोवाइडेड है, कॉमन बेसिन एंड वहीं पे टॉयलेट या चेंजिंग रूम है, जो आप स्विमिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। फिर ये पैसेज से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं बार एंड लाउंज एरिया में। यहाँ पे पीछे पूरा बार डिस्प्ले दिया गया है, आगे बैठने के लिए लाउंज चेयर्स है एंड इस यहाँ से आपको स्विमिंग पूल का पूरा व्यू मिलेगा। पार्टीशन के उस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे होम जिम है, जहाँ पे आप स्विमिंग पूल का व्यू लेते लेते एक्सरसाइज कर सकते हो। ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन। फिर जैसे हम डाइनिंग से ऊपर बढ़ते हैं तो हम आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, आप आते हो एक फैमिली रूम में, जो एक छोटा गैदरिंग स्पेस है। फैमिली रूम को राइट साइड में एक अच्छा बालकनी दिया गया है, जहाँ पे स्विंग एंड सिटिंग एरिया है, आउटडोर सिटिंग एरिया है, आर्टिफिशियल लॉन प्रोवाइडेड है एंड ये आपका फ्रंट फेसिंग आता है।
फिर यहाँ पे दिया गया स्टडी रूम, ये आप एज अ स्टडी रूम या आप एक्स्ट्रा बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे होम लाइब्रेरी हो गया, आप यहाँ पे आपका लाइब्रेरी, आपका स्टडी स्पेस, आपका होम ऑफिस की तरह इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसको एक अटैच्ड बालकनी है सामने के साइड में। ये है हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पे क्वीन साइज बेड, विंडो रिक्लाइनर, वार्डरोब एंड टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया गया है। साथ ही में वार्डरोब को ड्रेसिंग यूनिट भी है। ये बेडरूम को अटैच टॉयलेट दिया गया है। यहाँ से हम आते हैं बालकनी में। ये बालकनी आपका ग्राउंड फ्लोर का स्विमिंग पूल को ओवरव्यू करता है। फिर फैमिली रूम से यहाँ पे एक हिडन डोर है जहाँ से हम आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड, वार्डरोब, स्टडी टेबल, टीवी यूनिट प्रोवाइड किया गया है। ये बेडरूम को एक वॉकिंग क्लोजेट अटैच्ड है एंड वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी प्रोवाइडेड है। यहाँ से हम आते हैं तो राइट साइड में इसको अटैच टॉयलेट दिया गया है एंड सामने के साइड में आते हैं तो इसको बालकनी है। ये बालकनी भी आपका नीचे का ग्राउंड फ्लोर का स्विमिंग पूल एंड किचन एरिया को ओवरलुक करता है। गाइस, आपको भी अगर आपका घर का डिज़ाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।